और बड़ी अपडेट लखनऊ से है। प्रदेश में नए डीजीपी के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। डीजीपी बनने की रेस में कई नाम चल रहे हैं। रेस में 1987-88 बैच के अफसरों का नाम सबसे आगे। चुनावी साल में डीजीपी का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर मुकुल गोयल का नाम सबसे ऊपर है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल वर्तमान में डेपुटेशन पर बीएसएफ में तैनात हैं। मुकुल गोयल के अलावा 1987 बैच के आईपीएस आरपी सिंह, विश्वजीत महापात्रा और जीएल मीणा के नाम भी इसमें शामिल हैं। 1988 बैच के आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान और आनंद कुमार के नाम भी चर्चा में हैं। और उत्तर भारत में सोमवार की देर रात एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई घंटों तक ये बारिश होती रही। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली। दिल्ली में भी देर रात मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश हुई। लखीमपुर खीरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। और मौसम विभाग की माने तो आज भी कई जिलों में मौसम ऐसा ही रह सकता है। संभल में तेज हवा की वजह से पेड़ एक गाड़ी पर गिर गया, इससे बड़ा हादसा हो गया और एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में भी जमकर बारिश हुई। आंधी तूफान से बिजली के 6 पोल टूट गए और गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। बहराइच से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। तेज हवाओं के साथ आंधी आई और इससे लोगों में अफरा तफरी मची रही। इन तस्वीरों इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। प्रियंका गांधी ने इस पोस्ट में वैक्सीन नीति वितरण पर सवाल खड़े कर दिए और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए हैं। आपको बताएं कि प्रियंका ने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को फेल करार देते हुए वैक्सीन की कीमतों पर भी इस पोस्ट के जरिए तीखे सवाल पूछे। सवाल ये रहा, विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द वैक्सीन ही कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। जिन देशों ने अपने यहाँ ज्यादा वैक्सीन लगवाई उनमें कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ा। हमारे देश में दूसरी लहर पहली लहर से 320% ज्यादा भयानक साबित हुई। ये पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। ये पोस्ट में लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने और ये लिखकर भारत की वैक्सीन जो पॉलिसी है उस पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर निशाना साधा है। पोस्ट का कंटेंट, उसका मजमून इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, मात्र 12% लोगों को पहली डोज मिली है, सिर्फ 3.4% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हुई। मोदी सरकार ने सबको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से हाथ क्यों खींच लिया?